उसके बाद पूरी बॉडी जो टूटी हुई होती है उसे पूरी बॉडी कहते हैं, और उसके बाद फिर ये सहर पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ ही बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अब ये सवाल कि चूंकि इसके ऊपर प्रिंट नहीं है या मोहर नहीं है तो कैसे होगा, तो अगर ये 32 पौड़ियां इकट्ठे कर लेते उस वक्त उसकी और सेल आउट की जाती तो एक पाई के दर बराबर बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से कि जिस तरह से ये 1 रुपये हमारा जो अब रिसेंटली जो चल रहा है 1 रुपया पीतल का, अब अगर 100 रुपया हम इसको यानी 100 सिक्के हम जमा कर लें और इसको तांबे के भाव हम कॉपर के भाव बेचें तो इस वक्त ये तकरीबन 400-500 रुपये का बिक रहा है 100 सिक्का, तो उनके अखबार कॉपर की वैल्यू बढ़ गई है, इसीलिए फिर ये सिल्वर में इन्होंने एल्यूमिनियम में किया है ट्रांसफर। तो इसलिए अगर वो पैसे भी परचेज कर लेते थे ले लेते थे तो भी लेने वाला जो था वो घाटे में नहीं रहता था, उसका फिर भी फायदा था, यानी कि उसका नेमुल बदल था ये या बदला इश्तराक जैसे हम कहते हैं बार्डर सिस्टम। हाँ वो दूसरे सिक्के हैं जो डोमिनेशन वाइज, यानी कि सबसे कम जो सिक्का था वो ये लगा हुआ है इसमें पाई लगा हुआ है, पाइस कहाँ है ये पाइस है, यहाँ से शुरू, उससे पहले ये ब्रिटिश था, पाकिस्तान जन बना 1947 में, उसके बाद फिर ये डोमिनेशन मुहावरा पाई पाई जोड़ के जी जी, बल्कि इसमें अभी फूटी कौड़ी नहीं लगाई आपने, ये फूटी कौड़ी ये आ गई है, ये कौड़ी है, ये कौड़ी है, और उसके बाद फूटी कौड़ी जो टूटी हुई होती है उसे फूटी कौड़ी कहते हैं, और उसके बाद फिर ये डोमिनेशन। अच्छा ये बेसिकली वो है करेंसी है, ये करेंसी तो है ही, फिर बेसिकली ये वो है ना ये फूटी कौड़ी जो आम नॉर्मल, हाँ ये करेंसी के तौर पर यूज होती रही है। जो इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं उस मुल्क की और ये जो हैं इंडिया के कदीम मुख्तलिफ बादशाहों के सिक्के और उसमें मेंशन किया हुआ है, ये पाकिस्तान का कॉइन है जी, ये पाकिस्तान का अर्ली कॉइन है जो 48 में जारी हुआ। ये टोकन्स हैं, ये कॉइन्स नहीं है, ये टोकन है, ये कॉइन्स नहीं है, टोकन ये है कि ये किस्म का पास के तौर पे यूज होते थे इजाज़त नामा और उसके लिए, हाँ जी मजहबी टोकन है और कुछ राहदारी टोकन होते थे उनकी इजाज़त नामा होता था, और बाकी जिन बादशाहों के ये नाम सिक्के हैं उनके साथ नाम मेंशन किए हुए हैं जी। इसके ऊपर चाबी लटकी है और ये जो इसके साथ मशल नज़र आ रही है ये सींग है, इसको भी तराश के ये बनाया गया है, ये भी सींग है, ये हड्डी है, नहीं ये गेंडे के हैं, ये वाले जबरदस्त, और ये भी